हीरो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 125 सीसी में आपको मिल जाएंगे ग्लैमर, जो कि ग्लैमर एक ऐसी बाइक है, न्यू मॉडल में आई है 2023 और 24 में ही लॉन्च हो गई थी। इसकी काफ़ी खूबसूरत कलर और इसकी फ्रंट प्रोफाइल आपको मिलते हैं पुराने मॉडल वाले, जो कि काफ़ी इसकी मार्केट डिमांड है। 125 सीसी में इसकी ऑन रोड प्राइस होती है 98,000। ओ गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हीरो की ग्लैमर ब्रांड न्यू 2024 के ऊपर, और इसमें हम जानने वाले हैं कि क्या क्या इसकी है प्राइस, फीचर्स और क्या है इसकी प्राइस। तो गाइस, इसमें आपको मिलते हैं साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से, जो कि पीछे वाले लुक आपको BS6 2023-22 मॉडल की तरह मिलती है, और फ्रंट की प्रोफाइल आपको मिलेंगी सबसे लेटेस्ट मॉडल और सॉरी सबसे पुरानी वाली ग्लैमर जो 2014-15 में आती थी, कुछ इस टाइप से आपको फ्रंट की प्रोफाइल मिलने वाले हैं, जो कि वाइजर, हेडलाइट और विंडस्क्रीन आपको सेम मिलेंगी, उसमें कोई आपको खास चेंजिंग नहीं देखने का मिलेगा। और पीछे में आपको नीचे में आएंगे तो आपको मिलेगी ट्यूबलेस टायर, जो कि 80/118 की टायर होती है इसमें, और शॉकर हाई पावर की इसमें शॉकर, और शॉकर पर ब्रांडिंग मिलती है DRL लाइट की, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और फ्रंट की प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको नंबर प्लेट ब्रैकेट अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर कर दी। इसमें हेडलाइट की बात करूँ तो गाइस, इसमें हेडलाइट नॉर्मल आती है, जो कि इसमें LED और DRL लाइट नहीं होते हैं। नॉर्मल ग्लैमर में जो लाइट आती है वो मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको मिलती है कॉम्बो ब्रेक सिस्टम, जो कि पीछे वाले ब्रेक पुश करेंगे तो आपको आगे पीछे दोनों काम करेगा, वो आपको इस मॉडल्स में भी मिल जाते हैं। इंडिकेटर में आपको नॉर्मल बॉल और नॉर्मल शीशा व्हाइट वाली मिल जाती है। और मीटर की बात करूँ तो गाइस, खास इसमें मीटर की चेंजिंग हुई है, जो कि पहले पैशन एक्सटेक आती थी, कुछ उस टाइप से आपको मीटर मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ इस टाइप से इसका मीटर का इंटरफेस दिखेगा। 140 तक इसकी टॉप स्पीड है, बट उतना नहीं जाती है, इसमें एवरेज शो करेगा। पेट्रोल का इंडिकेशन है, न्यूट्रन है, I3S है, ECU लाइट है, और स्टैंड लाइट कट ऑफ और इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलती है चार्जिंग सिस्टम, जो कि USB केबल से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो स्टेयरिंग पे हीरो लिखा हुआ काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल जाएंगे। और इस साइड आएंगे तो आपको मिलती है I3S और सेल्फ और किक, जो कि सबसे टॉप वेरिएंट में तीनों सिस्टम होती है स्टार्ट करने के लिए। इस मॉडल में आपको तीनों मोड मिल जाएंगे। इस साइड आएंगे तो हॉर्न, लाइट, इंडिकेटर और पार्किंग की भी सुविधा इस मॉडल्स में मिलती है, जो कि ग्लैमर में और पैशन प्लस में मिलती है, पैशन प्रो में भी मिलती है। और यहाँ पे आइएगा तो ग्लैमर की यहाँ पे स्टिकर नहीं क्रोम मिलेगा, जो कि फ्यूल टैंक पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और सबसे लेटेस्ट E20 जो है, ये बाइक है जो कि एथनॉल से भी चलने वाली है, तो E20 की लोगो भी मिल जाती है और मार्का भी मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो गाइस, इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है। और नीचे में आएंगे तो ब्लैक और रेड का काफ़ी कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है। नीचे में FI की लोगो मिल जाती है, ब्रांडिंग लोगो FI की, जो FI है ये। साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। और नीचे में आएंगे तो 125 सीसी, जो कि इसकी इंजन है, वो मिल जाते हैं। यहाँ पे हीरो की लोगो मिल जाती है, जिस कंपनी की होती है उसका ब्रांडिंग लोगो भी मिल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत इसकी कलर है, सबसे बेस्ट कलर रेड और ब्लैक, जो कि पीछे में आपको रेड मिलेंगे और फ्रंट में आपको ब्लैक मिलेंगे। ब्लैक एंड रेड होती है ये बाइक। नीचे में आएंगे तो स्टैंड लाइट कट ऑफ मिलते हैं, जो कि सारी बाइक हीरो में मिल जाएगी। हीरो की सारी बाइक्स में आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइबर की चैन कवर की फ्रंट और पॉकेट वाले मिलते हैं, और 125 सीसी की इंजन मिलती है और FI मिलती है, जो कि हीरो की और सभी कंपनी में आपको FI सिस्टम मिलती है। इसमें भी आपको मोटर सिस्टम ही मिलेंगे, कार्बोरेटर सिस्टम नहीं मिलने वाले हैं। इसकी प्राइस की बात करूँ तो गाइस, इसकी प्राइस है डिस्क में 1,02,000 और नॉन डिस्क में 98,000 ऑन रोड इसकी प्राइस है। पीछे में आपको चैन कवर फाइबर के मिल जाते हैं और सारी गार्ड लेडीज फुटरेस जो हम लोग बोलते हैं वो मिल जाएंगे। पीछे के लुक आपको काफ़ी चेंजिंग मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप से आपको पीछे की लुक मिलेगी, जो पुरानी वाली बाइक आती थी उस टाइप से। पीछे में काफ़ी चेंजिंग मिल जाएंगे और कलर्स काफ़ी खूबसूरत है, आर ब्लैक, ब्लैक और रेड, जो कि पीछे से आपको रेड मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत कलर है, ये सबसे लेटेस्ट कलर आई है इस मॉडल्स की। और इसकी साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएंगे। पीछे में आप आएंगे तो हाई पावर के शॉकर और सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि इस बाइक के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसमें ट्यूबलेस टायर होते हैं और ट्यूबलेस में भी LIV लिखा हुआ रहता है, और ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। टायर TVS MRF C8 अपोलो, ये
कंपनी यूज़ करती है, जो कि ये MRF की है। टायर है 180/18, जो कि 80/18 भी आती है और 180/18 भी आती है। साइलेंसर की बात करो तो गाइस ये है मफलर, जो कि काफ़ी बड़ा इस मॉडल्स में मफलर यूज़ किया गया है। मफलर इसका कवर आएगा ब्लैक, वो अभी लगा नहीं है, काफ़ी खूबसूरत लगती है लगने के बाद, जो कि बड़ा दिखता है। इसमें आपको मिल जाएंगे कॉम्बो ब्रेक सिस्टम, यहाँ पे ब्रेक पुश करेंगे तो पीछे आगे दोनों काम करेगा। ब्रेक इस टाइप से काम करता है, पीछे 60% आगे 40%। यहाँ पे है क्लच चैम्बर, इसमें मोबाइल फिल्टर की भी सुविधा दी है, जैसे इंजन वाला आप चेंज कराएंगे तो मोबाइल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी होगा। क्लच चैम्बर ब्लैक कलर की बाइक है और ब्लैक कलर की ये इंजन मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत है ये। और यहाँ पर सराउड होती है, जो टंकी के आगे कवर होती है उसको सराउड बोलते हैं, उस पर FI के लोगो मिल जाएगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर के और काफ़ी ज़बरदस्त कलर के साथ ये दिख जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको I3S की ब्रांडिंग मिलती है और आर ब्लैक कलर जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट की बात करूँ तो गाइस फ्रंट में आपको कुछ इस टाइप से दिख जाएंगे, इंडिकेटर आपको इस टाइप से जलेगा वाइट पे, रेड लाइट जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाइजर पे आएंगे तो स्टिकर आर ब्लैक मिलती है, काफ़ी अच्छी स्टिकर है और काफ़ी न्यू लुक के साथ आई है, न्यू कलर जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट में आपको हेडलाइट नॉर्मल मिलते हैं, जो कि कोई हेडलाइट आपको LED इस मॉडल्स में नहीं मिलती है। ग्लैमर एक्सटेक लेंगे तो उसमें आपको ग्लैमर एक्सटेक में आपको सारी सुविधा मिल जाती है LED की, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। इस मॉडल्स में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, इसमें एवरेज देखने के लिए मूड होता है, यहाँ पर एवरेज भी शो करता है, इसमें टाइम डेट नहीं देता है। इसमें ब्लूटूथ की सुविधा नहीं मिलती है और इस टाइप से आपको चाबी मिल जाएगा कि कुछ इस टाइप से इसका रहता है। इसकी ऑन रोड प्राइस 98,000 होने वाली है। फ्यूल टैंक पे क्रोम लिखा हुआ ग्लैमर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे स्टिकर नहीं यूज़ किया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसमें दो वेरिएंट आपको मिलते हैं, डिस्क और ड्रम। डिस्क की 1,02,000 प्राइस है और ड्रम की 98,000 प्राइस है।